पसंदीदा खबरों की ओर। इस बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि रांची में नीट पेपर लीक की आंच अब रिम्स तक पहुंच गई है। एम्स के बाद रिम्स की छात्रा को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। देर शाम हॉस्टल पहुंची सीबीआई ने हिरासत में लिया। एमबीबीएस 2023 बैच के सेकेंड ईयर की छात्रा है सुरभि कुमारी, जिसको हिरासत में लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब नीट पेपर लीक मामले को लेकर जो जांच है वो लगातार तेज की जा रही है। सीबीआई की तरफ से लगातार इस मामले पर जांच जारी है। और अब जहां कल अगर बात की जाए तो एम्स में चार छात्रों को हिरासत में लिया गया था, जिनके रूम भी सील किए गए, लेकिन अब जो जांच है वो रिम्स तक भी पहुंच चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं और साथ जानकारी लेंगे। संतोष, अगर हम कल की बात करें तो कल भी पटना से एम्स से चार जो छात्र थे उनको हिरासत में लिया गया था सीबीआई की तरफ से, और अब ये जांच जो है एम्स से रिम्स तक पहुंच चुकी है। रिम्स की एक छात्रा को हिरासत में लिया है। निश्चित रूप से नीट पेपर लीक मामला जो है अब रिम्स तक पहुंच गया है। एम्स के बाद जो है रिम्स की छात्रा को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और देर शाम हॉस्टल पहुंची सीबीआई ने हिरासत में ले लिया छात्रा को। आपको बता दें कि एमबीबीएस की छात्रा 2023 बैच के सेकेंड ईयर की सुरभि कुमारी छात्रा है, जिन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो है क्वेश्चन पेपर को जो है सॉल्व किया था और इस जैसे जो है उस गिरोह के साथ में जो है कोई ना कोई कनेक्शन जो है बरम आया है उस छात्रा का, जिसको लेकर जो है सीबीआई ने जो है रिम्स से उस छात्रा को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है और उससे लगातार जो है सीबीआई पूछताछ कर रही है। और जिन छात्रों को जो है चार छात्रों को जो बिहार के एम्स से जो हिरासत में लिया गया था उससे गिरफ्तार किया गया, उससे लंबी पूछताछ के बाद जो है उसमें जो है सुरभि कुमारी जो 2023 के बैच की छात्रा है उनका नाम आया और उसी के आधार पर उनको हिरासत में लिया गया। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया संतोष आपका।